हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए आज आपको हम दिखाते हैं कि हम क्या नाश्ता या लंच दोनों कहिए। आज हम गुड़ का शरबत बना रहे हैं अपने लिए, इसी को हम पिएंगे। जब हम फ्रेंड्स छोटे थे गांव पे अपने बाबा दादी के पास, तो वहाँ पे गन्ना होता था, तो तब हम लोग गन्ने का शरबत पीते थे। गन्ने का रस रहता था और उसमें गुड़। गन्ने का जैसे रस रहता था और उसमें दही पड़ती थी सूखी वाली। तो फ्रेंड्स गांव में तो हम हैं कि गन्ने का रस हो तो गुड़ घोल लीजिए पानी में, और वो भी रस जैसे ही हो जाता है। और उसमें आप मर्जी हो तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, इससे मीठा और नमकीन, नमक दोनों शरीर में बैलेंस रहेगा बॉडी में। हम लोगों के यहाँ तो जैसे पूर्वांचल की साइड में केवल चीनी का शरबत बन रहा है तो चीनी का बनेगा, और गुड़ का बन रहा है तो गुड़ का बनता है। लेकिन कानपुर में एक अच्छी बात है फ्रेंड्स। हेलो हेलो, अभी दोपहर की 12:30 या 12:30 बज रहा होगा या 1 हो रहा होगा। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। अपने लिए हम शरबत बना रहे हैं और वो भी गुड़ का। चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने ये लोटा है, इसमें हमने गुड़ और पानी डाल के देखिए घोल लिया है। अब इसमें हम सूखी दही मिलाएंगे। फ्रेंड्स हमने इसको घोल के और छान के रख लिया है। एक बार छान लें और फ्रेंड्स, जब हम गांव में थे अपने बाबा दादी के पास कभी जाते थे, जैसे ठंडियों में या गर्मियों में, तो एक बार तो हम ठंडियों में गए थे, छोटे थे, 5-6 साल के रहे होंगे, 5-6 साल के। तो फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोगों के यहाँ गन्ना बहुत होता है पूर्वांचल साइड में। तो वहाँ पे हम लोग दोस्तों हम लोग गन्ने का रस बहुत पीते थे, और हम लोगों के यहाँ भैंस वैंस भी बहुत रहती थी, गांव पे रहती ही थी। ये देखिए सूखी दही, हमने शरबत को घोल लिया है गुड़ और पानी को, और इसमें नमक भी डाला है, और ये सूखी दही है, इसका शरबत ऐसे बने। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा लगता है, जो लोग पिए हैं उनके लिए, उनको समझ में आएगा कितना अच्छा ये होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह ये बनता है। तो फ्रेंड्स हम पहले आपको बता रहे थे कि जब हम बाबा के पास अपने जाते थे ठंडियों में, तो गन्ना खूब होता था फरवरी मार्च में। तो गन्ने का रस हम लोगों के यहाँ बहुत कोल्हू लगा हुआ था अधिकतर, मतलब डेली समझ लीजिए कि हम लोगों का वही, हम लोग वही दोपहर में तो पीते थे। तो उसमें फ्रेंड्स गन्ने का रस होता था और उसमें सूखी दही, जैसे हमने आपको दिखाया है कटोरा दही, उसमें
डाल दी जाती। मेरी दादी तो बड़ा कटोरा डालती थी। और दोस्तों बहुत अच्छा लगता था गन्ने का रस और दही उसमें जब पड़ी जाती थी। तब फ्रेंड्स जब हम ये शरबत पीते हैं इस तरह का, तो मुझे गांव की याद आ जाती है, वैसे बचपन में पीते थे।